नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कई अहम जानकारी है। इसमें जो है आपको सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया है। यानी कि जो यहाँ से अधियाचन भेजा गया था उस अधियाचन को वापस कर दिया गया है, क्योंकि उसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं थी और उस पर फिर से दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मांगा है और क्रमिक विभाग संबंधित विभागों को जल्द ही निर्देश जारी करने को कहा जा रहा है। तो आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आनी थी वो वैकेंसी अभी थोड़ा विलम्ब हो जाएगी, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन नहीं रहता है सही से, योग्यता का निर्धारण सही से नहीं किया जाता है तो बाद में समस्या आती है। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती में योग्यता की परिभाषा को साफ करने जा रही है। इसमें यह साफ होगा कि किस पद के लिए कौन कौन कोर्स वाले पात्र होंगे। भर्ती संबंधी विज्ञापनों में पात्रता में समकक्षता के स्थान पर अब कोर्स का जिक्र होगा। जो भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे, क्रमिक विभाग इस संबंध में विभागों को जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है, क्योंकि ये भर्तियां फंस जाती हैं। हम बात कर रहे हैं समूह गा की भर्ती की, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन भर्तियों को पूरी करता है और इसके बाद अन्य कई भर्तियां होती हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी करता है। तो इन भर्तियों में कई ऐसे कोर्स हैं जहाँ पर हम पहले देखते हैं कि वहाँ पर समकक्ष लिख दिया जाता था। अब समकक्ष में मिलते जुलते कोर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें कुछ कोर्स को माना जाता है, कुछ कोर्स के अभ्यर्थियों को बोला जाता है कि आप योग्य नहीं हैं, तो अभ्यर्थी जो है अक्सर कोर्स चले जाते हैं। कंप्यूटर कोर्स की बात करें, कंप्यूटर कोर्स बहुत सारे होते हैं उदाहरण के तौर पर, तो कुछ कोर्स माने जाते हैं, कुछ कोर्स नहीं माने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के बाद ही अब भर्तियाँ आएंगी। दिवाली पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सिपाहियों को दिवाली का तोहफा देने जा रही है। 20,000 सिपाहियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। देखिए, सबसे पहले जो सिपाही होते हैं उनको कांस्टेबल बोला जाता है। आपने देखा होगा कांस्टेबल के जो इनका फीता वाला लगा रहता है वर्दी पे, वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, खाली एक बैच लिखा रहता है जिस पे UPP लिखा रहता है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, इनका प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल पे। हेड कांस्टेबल पे 3 व्हाइट कलर की पट्टी मिल जाती है, जो ये आस्तीन पे भी लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हेड कांस्टेबल हैं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में क्या अंतर होता है? कांस्टेबल बंदूक लेकर ड्यूटी पे जाते हैं और हेड कांस्टेबल को बंदूक नहीं रखनी पड़ती है और हेड कांस्टेबल सीनियर हो जाते हैं। इनका काम होता है ड्यूटी लगाना या फिर दरोगा या इंस्पेक्टर के साथ रहना। तो इनका ये प्रमोशन हो जाता है, अगला प्रमोशन। उसके बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर का, जिसको SI या दरोगा भी बोला जाता है। एक नई भर्ती की बात करेंगे, 226 पद है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ये भर्ती आई है, बिहार में ये भर्ती आई हुई है और आयु सीमा 21 से 37 साल तक इसमें मांगी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह मेरिट लिस्ट मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए 15 अंक और स्नातक के लिए 70 अंक एवं स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2022 है। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, ये देखिए बिहार गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर दीजिए। कोई एग्ज़ाम तो आपको देना नहीं है, बस खाली आपकी मेरिट रहेगी तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। 226 पद है, अच्छी वैकेंसी है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह वैकेंसी है। अब UP के छात्र ये जानना चाहेंगे, MP के छात्र, दिल्ली के छात्र और भी तमाम हिंदी भाषी राज्यों के छात्र ये जानना चाहेंगे कि क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि
बिहार सरकार की जो भर्ती आती है उसमें बाकी सभी राज्यों के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।